विशेष राज का दर्जा मिलेगा तो हम लोग एकदम नीतीश कुमार के सपोर्ट में हम लोग खुल करके वोट करेंगे। इतना दिन से नीतीश कुमार जो है मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तो नीतीश कुमार के पास ताला चाबी है। वो अभी टाइम है बिहार के पास, फिर 5 साल के बाद टाइम नहीं आने वाला कि अगर बिहार कभी नहीं उभरा, ऐसा मौका बिहार में नहीं आया कभी, तो कभी भी इस बार भी लेकर रहेंगे अभी। हाँ विश्वास है। जंगराज जी जो लालू यादव 20 वर्ष राज किए, वे क्या क्या कुछ किए हैं, तो खल लुटने का काम किए। सब लोग बोलते हैं कि अपना मुख्यमंत्री से मांगिए बिहार में अपना कंपनी बैठवाइए, क्यों नहीं बैठाते यहाँ क्यों? हाँ वहाँ बोलते हैं, क्यों यहाँ आते हैं? यहाँ आओगे तो यहाँ जबरदस्ती भी करवाएंगे हम। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के बाद अब जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दे दिया है और एनडीए का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। लेकिन आज एक खास वाक्य ये है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जो मांग लगातार चली आ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन किया। और इसके साथ ही इस बात की जो है वो चर्चा तेज हो गई कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए क्या संसद में आवाज उठवाएंगे अपने सांसदों के द्वारा। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो डिमांड है वो काफ़ी खास कही जा रही है, तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त का फ़ायदा उठाएंगे लोगों के बीच और लोगों से जानेंगे कि क्या बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जा मिलने की ज़रूरत है अभी? क्या नाम? बहुत ज़रूरत है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम लोग एकदम नीतीश कुमार के सपोर्ट में हम लोग खुल करके वोट करेंगे। एकदम राज्य के दर्जे की जरूरत है, एकदम बहुत जरूरत है। हम लोग अति पिछड़ा में एकदम गिनती आते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, समझ गए ना? हमारा राज्य जो है अति पिछड़ा में गिनती आता है, इसीलिए नीतीश कुमार को भी मौका है। जो नीतीश कुमार जो है अभी किसी भी तरह से किसी भी हाल में विशेष राज्य का दर्जा कम से कम बिहार को दिलवावे। इतना दिन से नीतीश कुमार जो है मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तो नीतीश कुमार के पास ताला चाबी है, चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसलिए डिमांड ज्यादा है नीतीश, अभी बहुत ज्यादा ही डिमांड है नीतीश कुमार का। हम अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना जो है, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को उतनी प्रमुखता से रख पाएंगे जितनी प्रमुखता से वो विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि हमको चाहिए, हमको विशेष राज्य का दर्जा। क्यों नहीं रखेंगे? नीतीश कुमार को क्या चीज़ का टेंशन है जो नहीं रखेंगे? नीतीश कुमार तो एकदम फ्री माइंड का नेता है, वो उसको तो कोई टेंशन नहीं। उसको ज्यादा दबाव मिलेगा तो फिर वो पलटी भी मारना जानते हैं ना। चिराग पासवान उनका सपोर्ट कर दिए हैं, एकदम बिल्कुल बिहारी की जरूरत है। हाँ, हर बिहारी एक हो करके विशेष राज्य का दर्जा मांगे, और यदि अगर नहीं मिले तो फिर दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं ना, दूसरा रास्ता भी तो ऑप्शन भी तो है ना हमारे पास, निकालने के लिए ऑप्शन निकलेगा और क्या। नीतीश कुमार इस बात को संसद में उठाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो किंग मेकर बन के उभरा है नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, किंग मेकर बने, वो अभी टाइम है बिहार के पास, फिर 5 साल के बाद टाइम नहीं आने वाला कि अगर बिहार कभी नहीं उभरा, ऐसा मौका बिहार में नहीं आया कभी, तो कभी भी सपोर्ट कर देना। एक और चीज़ है, जिस तरीके से चिराग पासवान भी सपोर्ट किए हैं, तो क्या दोनों, क्योंकि चिराग पासवान के भी अब 5 सांसद है और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, तो क्या बिहार को स्पेशल स्टेट्स का जो दर्जा देने की बार बार बात कहने पर बीजेपी के नेता कहते थे कि हम इस बात को चिराग पासवान भी रखे हैं, पक्का देंगे। दोनों नेता बिहार के हैं, बिहार के उद्धार के लिए ही सोचेंगे और आगे भी सोचते रहेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद में जब बात की जा रही थी, जब समर्थन दिया जा रहा था, तो उस वक्त वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो करेंगे हमको वही मंजूर है, ऐसा कुछ नहीं। बात तो अपना रखे ही होंगे, बिहार के कुछ उद्धार के लिए कुछ बात रखे होंगे, ऐसा एक पटिए आँख बंद करके समर्थन नहीं दिए होंगे कभी बिहार, बिहार को देख के। रेल मंत्री जब नीतीश जी थे ना, तो एक रेल का फैक्ट्री वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ के रहने वाले हैं वो अपने गांव के आसपास ही खोले थे। वो रेल का फैक्ट्री इतना बड़ा था, जो डब्बे बनता था रेल का, जो 2 फैक्ट्री और है देश में जिसका प्रोटेक्शन उससे ज़्यादा इसको क्षमता था इस फैक्ट्री को। लालू जी हुए रेल मंत्री तो उसको रिपेयर का बना दिए फैक्ट्री, मैंने उसमें अब रिपेयर होगा, नया रेल डब्बा नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए जो उसमें कितना रिपेयर में कितना रोजगार होगा। ठीक है, तो नीतीश जी क्यों ऐसा किए? जो नीतीश जी का नाम हो जाएगा फिर वो आगे आ जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने चक्का का भारी लोहा का छपरा में फैक्ट्री खोल लिया। अच्छा, अब चलता कैसे है वो तो पता नहीं, भगवान जाने। भारी यहाँ डब्बा बनता, जो हर तरह का कारीगर लगता, तो इसको रिपेयर में दे दिया और छपरा में जाके वो लोहे का भारी वजनदार का फैक्ट्री खोल दिया।
तो भैया बिहार में जो सुनिए, बिहार में भी जो नेता है लालू यादव तो अपनी उपलब्धि बताते हैं। हाँ उपलब्धि, ये उपलब्धि हुआ ना, छपरा में फैक्ट्री खोल दिए, इसको रिपेयर कर दिए, रिपेयर में दे दिए, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षमता इसको था, समझ गए। तो ये बिहार में भी जो नेता है ना वो अपने तरफ खींचते हैं, तो उससे विकास नहीं होगा। ईमानदारी से बिहार का विकास, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बिहार? बिल्कुल मिलना, बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर उसको लिए मिलना चाहिए। और उसको लिए जो है ना, जो फिर वही बात कहेंगे, जो बिहार मार खाता है अभी तक पिछड़ा है, जो जाति लेकर जो और राज्य में नहीं है, और राज्य में आप राजस्थान को देख लो, हर 5 साल पर चेंज होता है, वहाँ विकास हुआ है, बाहरी कंपनी सब आया है, लोगों को रोजगार, बिहार के भी लोग जा रहा है वहाँ रोजगार में, रोजगार को लिए। तो जब तक ईमानदारी से विकास को तरफ लोग नहीं देखेंगे, वोटर समझ गए ना, जो हमारे राज्य में विकास होना चाहिए, हमको दिल्ली पंजाब हरियाणा नहीं है। जाना है, युवा है, युवा से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की जरूरत है? एकदम जरूरी है। हाँ। जरूरी क्यों लगता है कि जरूरत है? जरूरी है, स्पेशल मांग होगा, स्पेशल डिमांड होगा, उद्योगिक क्षेत्र बनेगा, नहीं कुछ है। और कम से कम तो जंगल राज में जितना सारे चीनी मिले उद्योग बंद हुए हैं, वे तो कम से कम मोदी जी से कहेंगे, विनती प्रणाम करके कहेंगे, कुछ कम हम चालू करवाइए, क्योंकि जंगल राज में बंद हुआ है जो, और वे दृश्य अब ना देखने का मिले। यहाँ से रोज 5 लाख मैंने पलायन अदर स्टेट में जाता है, वे रुकना चाहिए, क्योंकि मेहनत किए हैं, वोट आया उतना परसेंटेज, सबसे ज्यादा सांसद मैंने 2-3 स्टेट के बाद यहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं जब भी पक्ष में रहते हैं, अब पक्ष में आए हैं, उनके पास मौका भी अच्छा खासा कि 12 सांसद है, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री। हाँ तो नीतीश कुमार रखे हैं मांग, रखना चाहिए, एकदम रखना चाहिए, प्रमुखता के साथ जैसे रखते थे कि हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे भी, इस बार भी लेकर रहेंगे भी। हाँ विश्वास है, विश्वास पासवान भी सपोर्ट किए हैं, चिराग भी, हाँ चिराग पासवान भी सपोर्ट किए हैं। और दूसरी बात कहेंगे, वो परिवारवाद के नाम विरोधी हैं नीतीश कुमार, परिवारवाद के एकदम विरोधी हैं। अब परिवारवाद के देश चाह गया कि परिवारवाद को अब सत्ता में नहीं जाने देंगे। क्या बीजेपी राजी होगी बिहार को स्पेशल स्टेट्स के दर्जे देने? वो तो देना ही पड़ेगा बीजेपी को, क्यों नहीं देंगे? बिहार पिछड़ा राज है, जंगल राज बर्बाद करने पर उतर गया है, जंगल राज जो लालू यादव 20 वर्ष राज किए हैं, वे क्या क्या कुछ किए हैं, वो तो खल लूटने का काम किए हैं, उसमें तो कुछ किए नहीं हुए। बीजेपी देगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? तो हो गया, अब हल्ला किया क्या हो गया, अब तो फिर अब क्या है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, अब हल्ला करते रहे वो हो गया, एक आदमी पर 17 आदमी मारने के लिए तो हो गया, मोदी हो गया। नीतीश कुमार कभी भी खेल कर सकते हैं, वो बेटा कहीं जाए वाला नहीं है नीतीश कुमार। हाँ कहीं नहीं जाए, वो जान रहा है कि हाँ जहाँ हटा कि ओकरा महिलों से खराब होने पड़े, विशेष राज्य का मांग करेंगे कि नहीं? अरे करे चाहिए, उतना तो बिहारे में है दर्जा, अरे बिहारे में दर्जा है, मांगेगा क्या है? बिहार में कंपनी बनवाई और कुछ नहीं, ये बिहार में जुआ सब भटक रहा है इधर, यहाँ हाथ जो जीतेंगे मोदी जी तो जीत गए, जीत गए, जो विरोधी कर रहा ना उसमें भी कुछ नहीं होगा, मोदी जी जीत गए और जीतेंगे, मोदी जी तो जीत गए, बहुत कुछ किए। देखिए पहले घर से लेडीज लोग नहीं निकलती थी, अभी इतना लड़की लोग निकल रही है, मोदी के काम लोग दुख तकलीफ वहाँ बहुत होता है। हाँ आना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है, एकदम आवश्यकता है। आज चिराग पासवान बोल रहे थे कि हम बिहार में बिहार फर्स्ट बोल रहे थे, अब जीत गए, बोल तो रहे कि बिहार को स्पेशल। हाँ तो हम लोग वही चाहते हैं, युवा बहुत भटक रहे हैं इधर उधर, बहुत तकलीफ हो रहा है बाहर प्रदेश में आदमी, हम आज भी स्टेशन पर आए हैं, अभी हम जामनगर जाने वाले हैं 11 बजे रात को, अजीमाबाद से गाड़ी से हम जाने वाले हैं। तो आप जामनगर रहते हैं? हाँ हाँ 15 साल से वहाँ जा रहे हैं, जामनगर नौकरी करते हैं हम, लेकिन बहुत हम लोग का दुख तकलीफ होता है वहाँ, तो गुजराती सब लोग बोलते हैं कि अपना मुख्यमंत्री से मांगिए बिहार में अपना कंपनी बैठवाइए, क्यों नहीं बैठाते यहाँ क्यों? हाँ वहाँ बोलते हैं क्यों यहाँ आते हैं, यहाँ आओगे तो यहाँ जबरदस्ती भी करवाएंगे हम, करना है तो करो, नहीं तो जाओ अपना भागो अपना देश में। तो यहाँ मंत्री है, इतना दिन में अब शर्म नहीं लगता है कि हम मंत्री है, अपना देश में कंपनी बनवाना चाहिए। यहाँ हम लोग माने बहुत दिन कितना दुख तकलीफ से हम अपना प्रदेश में जाते हैं, बाल बच्चा अपनी 5-5 6-6 को लेकर जाते हैं, दुख तकलीफ परिवार छोड़ के जाना
पड़ता है। हाँ तो कैसे छोड़ कर जाए, वहाँ माला की यहाँ कौन चलाने वाला है, इतना छोटा छोटा बच्चा है, यहाँ कोई हम लोग का रोजगार रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, घर पर अपन क्या भूखे मरेंगे, यहाँ वहाँ दूसरा अपने पेट के लिए कहीं भी आदमी जाते हैं तो वहाँ भी दुख तकलीफ हो रहा है। यहाँ कंपनी यहाँ जरूरी एकदम होना चाहिए तो अभी हम लोग तो मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपके ही यहाँ के मजदूर है, कह रहे हैं कि पलायन करना पड़ता है, जा करके गुजरात सूरत जगह जगह पर काम करना पड़ता है। गांव का स्कूल और गांव का मास्टर नहीं चाहिए, यहाँ विकास का कोई काम, पढ़ाई लिखाई का कुछ शिक्षित काम नहीं हो रहा है, विकास यहाँ नहीं कुछ नहीं, बीपीएससी से टीचर बहाली किया नहीं है, लेकिन वो मास्टर यहाँ कोई पढ़ाता लिखाता नहीं है, अपने कंपनी अपने स्कूल में बैठ करके चुपचाप अपना मैडम के साथ मतलब रखता है, सही बात है, नहीं पढ़ाते। तो चलिए लोगों के बीच पहुंचे थे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के, कि क्या बिहार के लोग जो है वो इस बात से सहमत है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब इस बात को सदन में उठाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक सुनहरा मौका है, और इसी मौके को देखते हुए मुख्यमंत्री जो लगातार मांगे करते आ रहे कई सालों से, उस मौके को इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री को मांग करनी चाहिए। लोग जो है वो कह रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की जरूरत है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके का फायदा उठा करके और अपनी बात को रखते हैं प्रमुखता के साथ, जैसे वो जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।